अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे टू फैमिली, आज भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में जा रही पोहा बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयल डालूंगी। थ्री डेज से मैं ही बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, मैं सीख रही इसलिए जूस। मैं काजू को प्लेट में निकाल लूँ, वो थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैं डालूंगी कड़ी पत्ती। डालने के बाद अनियन सब ग्रीन चिल्ली भी डाल दी थी, अब मैं पोटैटो डालूंगी। मेरी मम्मा कल कह रही थी कि मैं बोर हो गई हूँ बार बार अंडा ब्रेड खा के, तो इसलिए कल मेरे लिए पोहा बना लिया। तो मैं बोली मम्मा क्या मैं आज पोहा बना सकती हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ कि कैसे बनाते। तो मेरे मम्मा बोली अच्छा ठीक है, मैं बना रही पोहा। अब मैं डालूँगी इसमें मसाला, ये हल्दी, आमचूर पाउडर और ये काला नमक और ये रेड चिल्ली पाउडर। मेरी मम्मा ये सब नहीं डालती थी, बस हल्दी डालती थी और चाट मसाला डालती थी। जबकि चाट मसाला खत्म हो गया, मेरे मम्मा किसी दिन चाट मसाला डालेंगे बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे इसका रेसिपी। नहीं तो ये सब मैं मसाला डाल देंगे इसको और मिक्स कर। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि बॉयल हो जाए, मैं उसको ढक दूँगी। हाँ पर अब चाय जारी बना रहे हैं। गुड़ और चाय पत्ती। ये देखिए मेरी मम्मा अंडा भी बॉईल करी, अब मैं उसको पील करूंगी। तो देखिए जब ये होगा तो मैं उसमें पोहा डाल दी थी, इसको मिक्स कर दी थी अच्छे से। तो ये देखिए हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये देखिए मेरी मम्मा भी पोहा ट्राई करेंगे और वो बताएंगे कैसे बनाया। मम्मा ट्राई करो पोहा। हाय देखिए बहुत अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होगी। ठंडी का मौसम जब यहाँ पर आने वाला होता है तो मौसम ऐसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो हम लोग खेल रहे थे यहाँ पर, हम मेरा भाई फहद वो सो रहा है इसलिए वो नहीं दिख रहा आप लोग को। अभी हम लोग यहाँ पर अपने स्केटिंग चला रहे थे, साइकिल। हाय हेलो वेलकम गाइस, मैं खेल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी का ऐसे बूंद गिर रहा, लग रहा है अभी बारिश अभी होगी। और मैं मम्मी ऐसे लग रहा है कि अभी बारिश होगी तो आप हम लोग पकौड़ी बना सकती हो। खाना है क्या पकौड़ी? हाँ, ठीक है अभी तो बाद में। और मम्मी मुझे बबल टी का ड्रिंक आता है लेकिन जो ऑरेंज ब्लैक है उसकी तरह नहीं, थोड़ा सा अलग है, वो भी बनाऊंगी आज। ठीक है ठीक। मैं बबल टी बनाऊंगी, मम्मी वो उसके बाद पकौड़ी बनाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं बबल टी कैसे बनता है। साफ हो जाएगा। तो मेरे पेरेंट टू फैमिली आज मैं बॉबर्टी अकेले ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं कटोरी में थोड़ा सा वाटर ले लूँ और मैं डालूंगी टी बैग्स। देखिए टी बैग्स डालूंगी, अब डालूंगी ब्राउन शुगर, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर है। बहुत इजी रेसिपी, बच्चे लोग भी बना सकते हैं मेरा देख देख के।
अब जल्दी बना रहे हैं बो बट्टी। तो सबसे पहले मैं इनका बटर ली यहाँ पर पैन में डालूंगी। अब मैं 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर फिर से डालूंगी। अब मैं 4 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर डालूंगी। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कोका पाउडर। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बनाऊंगी बोबा। तो देखिए इसका मैंने मतलब आइस क्यूब बना के डाले थे, लेकिन मैं उसका आइस क्यूब्स नहीं डालूंगी। मैं इसको उसे ठंडा करके डालती ताकि इसका टेस्ट है, और उसके बाद मौसम बहुत ठंडा है तो मैं उसका आइस क्यूब्स नहीं बनाऊंगी। तो देखिए ये अभी ठंडा हो गया, मैं इसको जा रही हूँ बोबा बनाने। तो मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसे बिजली कड़क रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, बारिश होने वाली है। देखिए वाह, आज तो मौसम बहुत अच्छे से लग रहा है, ये बारिश हो जाएगी। अभी क्या देखो बारिश हो रही है, बूंद थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है। देखो वाह, आज तो मस्ती करेंगे हम लोग। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि बोबा हम लोग बाहर ही बैठ के बनाते हैं। मम्मा हम लोग बोबा बाहर बना सकते हैं? ओके। तो ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ इसमें ये डालने कॉर्न फ्लावर, मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी। तो देखिए अभी हम लोग इतना बना चुके हैं और अभी हम लोग ये देखिए तब बनाई हो, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये बच भी गया है, तो कम मतलब कि मैं बनाई हूँ ना तो ज़्यादा गलती से बना रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा रख दूँगी, किसी दिन मेरा मन करेगा तो मैं इसे निकाल के बना लूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कहीं किसी डब्बे में रख के मैं रख दूँगी फ्रीज में। तो देखिए मैं इसको ऐसे डब्बे में रख दी, छोटे से डब्बे में रखी हूँ क्योंकि थोड़ा सा था ही इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बोबा को पकाने, मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ले ली हूँ, वाटर 1 कप वाटर में डाल दूँगी। और ये जो बोबा देखिए हम लोग बनाए थे, तो उसको उसमें डाल दूँगी वाटर में, ये बस बॉयल होगा, इसका अच्छे से फिर ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए अभी डालूंगी 1 टीस्पून कोका पाउडर। तो देखिए जब ये पक गया था तो मैं इसको एक बॉल में सर्व कर ली थी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें मिल्क डाल के वो बाटी बना दूंगी। तो अभी मैं कूल कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ऐसे मैं उसको कूल करूँगी। जब तक ये कूल हो रहा है तब तक मैं कप्स निकाल लूँगी। देखिए मैं कप्स यहाँ पर ले आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बोबा टी बनाना। तो चलो उसमें मैं सबसे पहले बोबा डालती हूँ, डाल रही हूँ बोबा। अभी मैं इस बार पूरा बोबा टी अकेले पूरा बनाई हूँ। मैं डाली हूँ इससे इतना कि जितना है जिताया मतलब डाली हूँ। अब सब आइस डालूंगी 1 पीस, अभी 1 पीस डालूंगी। और अब जा रही हूँ मिल्क डालने इसमें, तो देखिए हम लोग का ही मैंने मजाक नहीं, मजाक नहीं मैंने नहीं है, मेरे बाबा का उस दिन जब मैं बनाई थी तो मेरे बाबा टेस्ट भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं आज बाबा के यहाँ तो बड़ा सा बोबा टी बनाई हूँ। देखिए इतना बड़ा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब मैं उनको टेस्ट कराऊंगी, तो अब मैं देखूंगी कि उनको कैसा लग रहा है। इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार लग रहा है जैसे कि हम लोग कोकोनट वाली डाला है इसमें। बाबा ये बन गया, रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना इसके सेट। हाँ। जैसे लगता है कुछ खाने के लिए बनाएंगे। हाँ। कलर कितना अच्छा, कितना प्यारा।
उस वाले का कलर तो डार्क, बहुत ज्यादा डार्क पिंक लग रहा था। बहुत कम था ना चुकंदर, एक फूल डाल दी थी, इसमें इतना सारे में डाली है, एक उसमें एक डाल दी थी डार्क। हाँ पर अच्छा लगे। अब मेरे बना रहे यहाँ पे पकौड़ी बनाना, बनाना और पटेटो का बनाएंगे। मेरे बस जा रही पोमेग्रेनेट कैरेट और चुकंदर का जूस बनाना। यहाँ पर अभी मैं पोमेग्रेनेट को छिल रही थी, कितना सुंदर है। हाँ कितना अच्छा कलर है, वाओ रेड रेड कलर, पहली बार मैंने कितना डार्क। यह जूस का अब जा रही है यहाँ पटेटो को कट के बाद तभी मेरे बनने जा रही है पकौड़ी बनाने। देखिए मिर्चा का भी बनाएंगे मेरे लिए और बाबा के लिए, इसे जरूर डालना है, मैं बनाना सब तरह डालेंगे। और पटेटो चिल्ली तो हम लोग सबसे बाद सबसे लेट में बनाएंगे, अभी देख लाएंगे। ऑयल में डाल रही ताकि फ्राई हो जाए। ये देखिए पकौड़ी हो गया है, देख रहे हो तो बहुत। तो देखिए यहाँ पर मैं अनार चिल्ली और कैरेट्स भी काट देती, अभी चुकंदर बस काटता है। तो मेरी मम्मा से बोली मम्मा देखिए मैं कट कर दी, तेरे मम्मा मुझे अच्छे देखे चुकंदर को रहने दो, मैं जूस आज नहीं बनाऊँगी कल बनाऊँगी। अगर आप लोग को वो बटी अच्छा लगा होगा तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।